ममता बनर्जी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी। आज यह तारीख 3 मई 2021, यानी कि आज के दिन ममता बनर्जी ने बंगाल पे तीसरी बार फतेह हासिल की है, यानी कि तीसरी बार वो सीएम बनने जा रही हैं। तो जानते हैं ममता बनर्जी के कुछ रोचक पिछली तथ्य के बारे में। ममता बनर्जी राजीव गांधी के पीछे खड़ी रहने वाली लड़की जिसने 13 साल में अपनी पार्टी को बनाया सुपर पावर। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1995 में कोलकाता के एक बेहद सामान्य से परिवार में हुआ। अब वो 66 वर्ष की हो गई हैं। 2011 में पश्चिम बंगाल की सीएम बनी थी, जो कि पहली बार, और कल यानी कि 2 मई 2021 को वो तीसरी बार सीएम बनी है। इससे पहले वह देश की संसद में बंगाल की सबसे युवा सांसद और भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती हैं और उनकी पहचान देश के उन नेताओं में है जो कि अपने फैसले और आक्रामक रवैये के लिए मशहूर हैं। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी जैसे नेताओं की सहयोगी रहने वाली ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की सुपर सीएम के रूप में 10 साल अपने कार्यकाल के पूरे कर चुकी हैं। 1975 में पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनकर राजनीति में आने वाली ममता बनर्जी अब तृणमूल कांग्रेस की चीफ हैं। वह पार्टी ही अलग हो चुकी है जो कि कांग्रेस है, जिसे 1998 में कांग्रेस से अलग हुआ था। ममता बनर्जी ने खुद इसे बनाया था 1998 में। अपने गठन के बाद करीब 13 वर्ष की राजनीति यात्रा में तृणमूल कांग्रेस 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई। बड़ी बात यह है कि इस पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने जिस सीपीएम को यहां सत्ता से बेदखल किया, वो यहां 3 दशक तक यहां पर प्रमुख पार्टी रही और हमेशा सत्ता में रही। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्म के बाद ममता बनर्जी ने यहीं पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। 9 साल की उम्र में ममता बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी का निधन हो गया। इसके बाद ममता ने कोलकाता के जोगोमाया देवी कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने जोगेश सिंह चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी हासिल की है। 70 के दशक में मात्र 15 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाली ममता बनर्जी ने सबसे पहले एक पदाधिकारी के रूप में 1976 में एक काम संभाला था। इस दौरान वे 1975 में पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त हो गई। इसके बाद 1978 में ममता कलकत्ता दक्षिण की जिला कमेटी सेक्रेटरी बनी। 1984 में ममता बनर्जी को पहली बार लोकसभा का टिकट मिला और वह पार्टी कांग्रेस थी। इसके बाद वो दक्षिण कोलकाता से सांसद बनी। इसके बाद 1991 में वे दोबारा लोकसभा सांसद बनी और इस बार उन्होंने केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में राज्यमंत्री भी बनाया गया। इसके बाद 1996 में ममता एक बार फिर सांसद बनी, लेकिन 1997 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। पार्टी गठन के शुरुआती दिनों में ममता बनर्जी तब बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहीं। इसके अलावा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री के रूप में भी काम किया। 2002 में ममता बनर्जी ने रेलवे के नवीनीकरण की दिशा में बहुत बड़े फैसले लिए। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रेनों में सर्विसेज बढ़ाने के लिए IRCTC तक की स्थापना में सक्रिय भूमिका ममता बनर्जी ने ही निभाई है। संसद से राज्य की सत्ता तक का सफर करने की दिशा में ममता बनर्जी लगातार तब की वामपंथी सरकार का पश्चिम बंगाल में खुला विरोध करती रहीं। CPM के नेतृत्व वाली इस सरकार के मुखिया पहले ज्योति बसु और फिर बड़े वामपंथी नेता
बुद्ध देव भट्टाचार थे। 2005 में बुद्ध देव भट्टाचार्य की सरकार के जबरन भूमि अधिग्रहण के फैसले का विरोध शुरू किया। इसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम के हिस्से में ममता बनर्जी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। इस आंदोलन का परोक्ष रूप में बीजेपी का समर्थन भी उन्हें मिला। भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध का असर और व्यापक जन समर्थन देखते हुए ममता ने एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में पश्चिम बंगाल में 2011 विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी पार्टी को चुनाव में उतारा। 1998 में पार्टी के गठन के बाद 13 साल की अल्प यात्रा में ही तृणमूल कांग्रेस पहली बार 34 वर्षीय सत्ता वाली वामपंथी सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गई। 2011 में चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की 184 सीटों के साथ जीत मिली। ये वही राज्य था जहां पर कभी वामपंथी और कांग्रेस की विचारधारा का प्रभाव था। दोनों में एक नई लीक खींचकर ममता ने चुनाव में 184 असेंबली सीट जीतकर हासिल की। इसके बाद वह राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद 2016 में ममता ने इससे ज़्यादा सीटें जीती और सत्ता पर फिर कामयाब हुई। उसके बाद 2021 में यानी कि 2 मई 2021 को तीसरी बार वो सत्ता में काबिज हुई हैं। ममता बनर्जी इस चुनावों के बाद देश में प्रमुख राजनीतिक दल की मुखिया के रूप में तेजी से उभरी। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कड़ी चुनौती दी। देश के तमाम करिश्माई नतीजों के बावजूद इन चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर ममता बनर्जी का दल विजयी हुआ। ये सीटें एक प्रदेश स्तरीय पार्टी ने जीती, लेकिन सीटों की संख्या कांग्रेस जैसे बड़े दल से अधिक थी, जिसने इन चुनाव में कुल 44 लोकसभा सीट ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी का दल पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा। 42 सीटों पर हुए चुनाव में ममता सबसे बड़े दल के रूप में 22 सीटें जीत सकी। इसके अलावा बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली। बड़ी बात यह है, मोदी विरोध के लिए ममता बनर्जी हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहीं। ये वही ममता बनर्जी थे जो कभी एनडीए की पार्टी की प्रमुख सहयोगी रही थी। सीएए, एनआरसी, जीएसटी, नोटबंदी और किसान आंदोलन तक ममता ने मोदी सरकार के तमाम फैसलों को विरोध किया और अब 2021 के चुनाव में वो नजर आई हैं एक बहुत बड़े प्रारूप में।